वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। मेरी 23 साल उम्र और 23 साल की उम्र च मैं सवाल जो मैं सेवा वाले पास आया सगा मेरे घर के हमेशा मैं एक गल कहें कि तू आज जी सेवा कर रहे हैं अज तक लोगों ने तेन भंडे आ गाला क्ढ़िया जे कहते मरीजों की मदद नहीं कर सकते की कमाया सेवा तो कि अजक गाला ही क्ढ़िया लोगों ने किसी ने की किया किसी ने कुछ किया तू कमाया की आ पर अजो मैंने लगता मेरे माँ प्यो लोगों ने एक बहुत सोहना उन्होंने जोड़ा मेरे माँ प्यो पहुँचते होंगे अब मैं जवाब मिलया कि मैं आ भरावान का प्यार मकया अज जो मुद्दा होया बहुत भैन भरावान कॉलों आ रही बाहरों फॉरन तो भी आ भरा भी इस वक्त रात अद्धी रात हो गया और ये थाने के बाहर खड़े से होर भी वीर से जोड़े वापस चले गए मैं धन्यवाद करना चाहूँगा इन्होंने भरावान का थोड़ा भरा बिल्कुल ठीक असं बहर आ गए हाँ और जोड़े ग मसला होया कि असी दरबार साहब नेड़े तो पता 6:30 बजे तो लैके 8 बजे तक रोज़ शाम को मिलते हैं उत्थे साढ़े कोल बहुत मरीज आते हैं साढ़े कोल अज 15 तो 20 मरीज सीगे जिदे करके क्योंकि जो भाई मेरे को मरीज आ गए तो जो गुरु घर जाके टाइम नहीं कदे गिनीदा हुंदा कि टाइम आ तो जो मेरे को 15 मरीज आए थे तो मैं 15 मरीज का हल करा के उन्होंने सेवा करा के फिर ही घर वापस जाना सी उत्थे एक पुलिस वाला आया रात के 8:30 बज चुके थे उन्हें बहुत बदतमीजी नाल एक गल कर दी एक धक्का मुक्की करने की कोशिश की और मैनू यह सवाल किया कि तू इत बैठा पैसे कट्ठे कर रहा मदारी बैठा जिन्हें मेला लाया तू कर की रहा और बहुत उन्हें मिसबिहेव किया जिदे करके मैं कहता जे इन्नी है मैं उन्होंने एक सवाल किया मैं क्या भाजी थोड़ी सारी गल नाल सहमत हाँ चलो जे तुसी कहना मैं कल तो 8 बजे तो पहला आ जाए करूँगा मैं चला जाऊँगा पर उन्हें जी एक कहते तो बहुत घटिया हरकत उतर आया उस तो बाद उस बंद ने मैं पुलिस वाले ने सवाल यह किया कहता जिहड़ा आपका मेला लाया ना जाके ठेके मैं उन्होंने सवाल किया मैं क्या जे इन्नी पावर है तुहाडी वर्दी च तो तुसी ठेके क्यों नहीं बंद करा रहे वो अफसर नूं बाकी भी उत्थे पुलिस वाले बहुत थाने च सीगे जिन्होंने बहुत प्यार दिता मैं कहना उन्होंने पैर भी हाथी लाने को तैयार हाँ क्योंकि हर महकमे चंगे बंदे भी होंगे माड़े भी होंगे जिन्होंने उत्थे सानू बहुत रिस्पैक्ट दी पानी पूछो उन्होंने सारे का धन्यवाद आ और बंद ने जो कहा कहता जे इन्नी हिम्मत हैगी ना आपका मेला जाके ठेके अगे ला मैं क्या ठीक है जी मैं 23 साल का मुंडा बहुत छोटा बच्चा मैं थोड़ा चैलेंज कबूल करदा उस तो बाद मैं देखा कि ठेका खुला उत्थे जाके मैं लाइव किया जो मैं लाइव किया ठेके वाले ने ठेका बंद करता तो मैं वो मोबाइल वीडियो सेव करके मैं उस बंदे को आया मैं क्या भाजी तुम्हें कहा कि ना कि वो ठेके अगे जाके वीडियो कर मैं क्या मैं करके आ गया हूँ तुम दसो कि तुम जो जेकर रखोगे कल वो ठेके फिर बंद करवा दे तो बंदे ये गल इन्नी कि चुभ ही लगी कहते आ जा तेरे तो पहला परचा तो मैं करता मैं उन्होंने एक गल कही सी मैं क्या जिंदगी ज्यौदा ना छड़ी जाता जे बाहर चला गया तो जां तां इत्थे ही मार दी जां जिउंदा ना छड्डी क्योंकि मेरा आखिरी साह जिहड़ा हैगा उह इन्हां बाईआं लई आ और मैं कैप्टन साहब नूं सीएम तक वीडियो जरूर पहुँचा दिओ जिहड़े तुहानूं बाई आ जिहड़े लॉकडाउन आ सिर्फ इह इक आम बंदे लई तुहानूं दिसदा जिहड़े ठेके आ तुहानूं कहिंदे जिहड़े जिस देश नूं इक ठेकियां तों कमाई होण लग पवे ना उह देश दा बेड़ा गर्क की होणा बोल के मैं दस नहीं सकदा मैं एक गली दा कख सीगा पर अज तुहाडे प्यार ने ना इन्हां नूं दसदा कि इक बंदा की आ यूथ अज दी की आ आपे भरावां दा प्यार आ जिहड़ा मैं मत्था टेकूंगा अज सारे भरावां नूं जिन्नां ने भी अज फोन कॉल कीतियां सारी जिंदगी मैं थोड़ा कर्ज नहीं ला सकता आ तुसीं देखो बच्चा फतेहवीरा जो पुलिस मैनूं थाने ले जा रही सी सेवा करवाउण आउंदा वीरा रहो शाम नूं आ के 6:30 बजे खड़ जांदा और रात नूं 8-9 बजे सेवा करा के घरे जांदा बच्चे दी उम्र किन्नी उम्र आ फतेह तेरी 10 साल कहते सारे नूं कि वीरा बिल्कुल ठीक है मेरा बिल्कुल ठीक है ये बच्चा पूरे थाने तक बच्चा रोन लग पिया थाने जाके और जिहड़ी चीज़ इन्हें उत्थे देखी और बच्चा थाने तक मेरे नाल गया जे आ भरा दा प्यार है यार सारी जिंदगी मैं अपना चम ला के भी ना सेवा तो कदे दूर नहीं होऊंगा आ भरा नाल खड़े मैं बेनती करूँगा साडियां सरकारां नूं जदों मैं ठेका बंद करा रहा सीगा सारियां गड्डियां नूं वापस भेजा जा रहा सी एक साडे मिनिस्टर दी के अपने पब्लिक अपना MLA सीगा कि कौन सीगा उहदी गड्डी आई कहिंदे जी अफसर आ रहा पिछे हो जाओ इन्हां लई ये कानून बई लागू नहीं हुंदे सिर्फ मैं उन्होंने सवाल पुछदा कि जो एक रैड लाइट हुंदी उदो आम बंदा उत्थे 10-10 मिंट वेट करता MLA आउंदा पुलिस उन्हें आम जनता नूं हटा हटा के पिछे भेजदी आ उन्हां लई कोई कानून लागू नहीं जिन्हां ने वोटा पा के जिताया हुंदा अज भी मैं तुहानूं मावां दे जे हालात दिखावां जिहड़ी मां लई मैं उत्थे खड़ा सीगा उहदी वीडियो दिखावां मां अपने बीमार होण करके जिंदगी ते मौत दी लड़ाई लड़ रही सी और असीं सिर्फ मरीजां लई खड़े सी इस विच कोई मैं अपना नहीं लै रहा और जदों उन्हें आके सवाल किया मैं सारी जिंदगी कर्ज बाईआं तां नहीं ला सकदा बाकी वीरां ने जरूर कुछ कहना होवे तां बाकी है भाजी होनी सेवा करते हैं सारे की वधिया गल हैगी आ भी नाल खलोंदे माड़िया दे नाल खलोंदे आ भी रब मैं रब इन्हां दे सिर ते हाथ रखे बाकी जो इन्हां नाल पंजाब पुलिस ने कीता बहुत गलत माइट लीती सी भाई नूं लैके जांदे सी आ देखो किद्दां पंजाब पुलिस लैके जा रही है जिहड़े चंगे इंसान उन्हां नूं अंदर चुक चुक के पा रही है जिहड़े माड़े आ उन्हां नूं बाहर खुला छड्डिया शरेआम गुंडागर्दी करन दे कोई चोरियां करके जा रहे ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਆ ਬਹੁਤ ਕਾਬਲ ਅਫਸਰ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਔਰ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਔਰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਵੀਰੇ ਅੱਜ ਦੀ ਯੂਥ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਅਜਮਾਇਆ ਕਰੋ ਇਹ ਭਾਂਡਾ
बंद ही रहे तो चंगा जी उबलूगा बहुत कुछ कर सकती यूथ अज्ज की अच्छ रौला पाया जाता कि अद्धी यूथ नशिया जा रही है पंजाब का अच्छ बहुत बेड़ा गर्क हो रहा है कि बहुत सारे नौजवान अपने हर लोग बंद का सवाल होंगे कि यूथ नशिया जा रही है साडा जो 100 मुंडा वो 90% कनेडा अमेरिका आईलैंड्स करके साडा देश छड़ रहे उन्होंने सारे अज्ज जवाब मिल गया होगा कि जेडे अज्ज अपना घर बार छड़ के मोगे में इस वक्त वापस जाना मोगे तो चल के कोई बंदा अमृतसर सेवा करवाउन आउंदा सिर्फ इन्हां मरीजां लई और जिहड़े लोकी जिहड़े भरा हैगे 23-23 साल दे जां फतेहवीर आ साडा 6 साल दा अद्धी राती सेवा करन आउंदा उहनां दा तुसीं किहड़ा मुल पाता उहनां नाल तां फिर अगला कहिंदा नशेड़ी चंगा साडा पुत्त जे कोई बंदा मां प्यो ने सेवा लई तोरिया तुसीं उहनां दा इह हशर करना बाकी मैं सीएम नूं जवाब जरूर मिलना चाहिए इस गल का कि जिहड़ा इह लॉकडाउन लागू होया जिहदे विच असल च आम बंदा मर रहा जिहदे कोले इक दो वक्त की रोटी नहीं पका के खा सकता सिर्फ ये जिहड़ा अपना VIP कल्चर आ ये सिर्फ MP MLA तक ही आ जिहड़े असल च जिन्हां नूं वोटां पा के जिताया वो आम बंदे दी जिंदगी क्यों नहीं जी सकते बई अज्ज आ पाइयां तां होर भी वीरे किसी ने कुछ भी कहना हो साडे भाजी कवल जी ते जिहड़े वीडियो देख के इत्थों तक आ गए और वीडियो ने पाइयां ने पता नहीं किहड़े किहड़े ग्रुपां च वीडियो पाइयां सारयां नूं बेनती है कि तुहाडा भरा बिल्कुल ठीक आ ये तो आड़ा प्यार आ जिहड़ा इत्थों तक लई फिरदा नहीं तो कदों दे खत्म हो जाना सीगा बई बाकी बाइयां ने जरूर कुछ वीरे कहना मैनू ना 103 बुखार ही तो मेरे लत्तां इन्नियां पेन हो रही तो मैं वीडियो देख के एक मिनट ही लै मैं नंदीप भाई ने फोन किया मैं की गल आई भाई कहिंदे आ प्रॉब्लम पई मैं भाई एक मिनट च आ गया बस तो दूजी गल ही नहीं की मैं हतों बाद घ्यो टीके ने मैं अपने भरा दे नाल खड़ा कोई गल नहीं कहो जी कोई दिक्कत नहीं तो मौत भी आ रही तभी मैं डर नहीं कहे नहीं नहीं भरा से रोक अखा ची पानी प्याले आंदा तो मैं ढाटी चाण वसदी ना ना भरा तू फिक्र नहीं करना तुसी वीरे को कहना होवे आ साडे नवदीप वीरे उन सारे भैण साडी भैण आ जाओ भैण और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा जिंदगी च कहा जाता ना कि कुड़ियां मुंडे नालों बहुत अगे आ ये भैन ने आपदे जिंदगी मैं कहना हूं कि मेरिया एक परिवार का मेरा फीडबैक भी ले लो अज मेरा परिवार खड़ा और भैन ने किहड़ा वो लिंक होगा जिहड़ा भैन की नज़र च नहीं होगा और भैन ने उत्थे थाने च ना जमाया होगा मैं धन्यवाद करना चाहूँगा साडे अनमोल वीरे का पूरी पंजाब टीम का जिहड़ी क्योंकि जे अज इत्थों तक आया ना गुरिंदर एक गढ़ी का कीड़ा सीगा मैं बई एक कख सीगा जिहनूं हीरा बनाया अनमोल ने वह बाई ने कहा सीगा कि जिंदगी जो कदम ज गुरिंदर चक ली समाज लई तेरे नाल खड़ा हैक ठोक और मैं धन्यवाद वोइड नॉर्थ की टीम दे जाऊँगा ये बंदियां बिना परिवार बिना अनमोल बिना भैन बिना आ साडे फतेह वीरे बिना जां जो परिवार खड़ा वोइड नॉर्थ की टीम बिना मैं एक गली का कख हाँ जे लख हो तो अज इन्हां भरावां ने किया आ बाकी भैन ने जरूर ब्लड रिलेशन नहीं है गुरिंदर वीरे दे नाल अज तो 2 साल पहला मेरे को एक पेशेंट ही कैंसर तो प्रॉब्लम ही उन्हों ओदे जिदा मोढ़े दे उत्ते ट्यूमर ही ਉਹ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਥਰੂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ 13 ਸਾਲ ਵੱਡੀ ਹਾਂ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਵਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਦੀ ਕਹਿ ਲਓ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਦੀ ਕਹਿ ਲਓ ਹੈ ਨਾ ਇੱਕ ਆਪਦੇ ਤੋਂ ਅੱਧੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਹੀ ਇਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰ ਪਏ ਮੈਂ ਆਪਦਾ 6 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਲੈ ਕੇ ਰੋਜ਼ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਖਲੋਨੀ ਆਪਦੇ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ ਜਾ ਸਕਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਟੂਰਿਸਟ ਪਲੇਸਿਸ ਆ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟਾਈਮ ਸਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਪਰ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਖਲੋਨੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਕੁਝ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਇਹ ਆਸ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧੇ ਪਰ ਜੋ ਅੱਜ ਹੋਇਆ ਬੇਹੱਦ ਮਾੜਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਰਵੱਈਆ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਦੀ ਐਕਸਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਗਿਣੇ ਚੁਣੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਦੋ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਸੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਲੋੜੋਂ ਵੱਧ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਠੀਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਰ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਖਲੋਤੇ ਹਾਂ ਕਦੀ ਪਿੱਠ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਇਹੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਅੱਗਾ ਸਵਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਲਾਸਟ ਬਾਈ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਲਾ ਲਿਓ ਜਾਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਆ ਜਾਓ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 6:30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 8 ਤੱਕ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਕੋਲ ਮਿਲਦਾ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਰੀਜ਼ ਆਉਣੇ ਆ ਜੇ ਵਾਕਈ ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੇਅਰ ਤੱਕ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਓ ਜਾਂ ਕਮੈਂਟ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਆ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਖੜ ਜਾਓਗੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ 6:30 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 8 ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਮਰੀਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਆ ਬਈ ਅੱਜ ਵੀ ਮਾਵਾਂ ਆਈਆਂ ਜਿਹੜੇ ਦਰਦ ਨਾਲ ਤੜਫਦੀਆਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜੇ ਮੋਗੇ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਦਰਦ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਨਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਅੱਜ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਜ਼ਰੂਰ 6:30 ਵਜੇ ਆ ਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਕੋਲੇ ਡਾਕ ਘਰ ਆ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਪਦੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ ਔਰ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਭਾਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਲਿਓ ਪਰ ਉਹ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਜਿਓ ਬਾਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।